हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस के एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नेचुरल गैस बंद हुआ है 510 पे, लगभग 14 रुपये नीचे, 2.7% लॉस के साथ। अगर हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे जो सभी टारगेट लगभग अचीव करने के बाद यहाँ जो है तो नेचुरल गैस में ऊपर के लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है। हमने हाई देखा था लगभग 615 पे, और 615-620 इसके इस साल की इन्वेस्टमेंट टारगेट थे। तो अभी सभी टारगेट अचीव होने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ आपको कंसोलिडेशन और करेक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा। वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। तो यहाँ जो है तो जिन्हें लॉन्ग टर्म व्यू है वहाँ सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। जब तक नेचुरल गैस 615-620 के नीचे है यहाँ सेल ऑन राइज ही व्यू रहेगा। आपको रेजिस्टेंस के अराउंड सेल करना है। यहाँ निचले तरफ अभी 500 रुपये का सपोर्ट है और उसके नीचे जो है तो 435 का। अगर 500 के नीचे हम स्लिप करते हैं तो आपको जो है तो नेचुरल गैस में एक डीपर करेक्शन आते हुए दिख सकता है, जो लेकर जाएगा 435 के लेवल की तरफ इन लॉन्गर टर्म। यहाँ जो है तो इसके अभी मंथली चार्ट में सभी टारगेट अच्छे हो चुके हैं। यहाँ बीच बीच में बाउंस बैक आएंगे तो उस बाउंस बैक को हम सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं विथ अ स्ट्रिक स्टॉप लॉस। और एज एक्सपेक्टेड या वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी तो इतना इजी भी नहीं रहेगा ट्रेड करना। मगर आपको अगर ट्रेड करना ही है तो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि लगभग लास्ट 5 वीक के रैली के बाद इस वीक हमने लगभग 8% का लॉस देखा है। लगभग 46 रुपीज नीचे बंद हुआ है नेचुरल गैस, और वो भी ऊपर के टारगेट अचीव करने के बाद। तो एक अच्छा खासा हमने हाई वोलेटिलिटी रेंज देखा है। इस हफ्ते का जो कैंडल है उसका हाई 615 और लो 506, तो लगभग 110 रुपये का रेंज। तो आप उससे पता लगा सकते हो कि लगभग ये 20% की कैंडल है एक। तो उससे आपको पता चलता है कि कितनी हाई वोलेटिलिटी है मार्केट में। और यहाँ अभी सभी टारगेट अचीव हो चुके हैं तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली मेरा व्यू रहेगा बेरिश सेल ऑन राइज। और क्योंकि यहाँ जो है तो आपको करेक्शन और कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। यहाँ शॉर्ट करना है वो भी रेजिस्टेंस के अराउंड। अभी यहाँ जो रेजिस्टेंस है ऊपर वो है लगभग 615-620 के अराउंड। अगर उसके अराउंड बाउंस बैक आता है तो शॉर्ट जा सकते हो विद द मीडियम टर्म व्यू। आपको नेक्स्ट जो है तो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा 500 के नीचे, जिसमें टारगेट रहेगा हमारा लगभग 430-435 रुपये का। तो यहाँ 500 रुपये का लेवल आपको वॉच करना है। मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो भी तोड़ देंगे हम, और शायद हम 430-435 के लेवल जो है तो आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने रैली शुरू की थी बुलिश सुपर बुलिश सभी टारगेट अचीव करने के बाद। अभी जो है तो नेचुरल गैस यहाँ सपोर्ट के अराउंड ट्रेड कर रहा है और यहाँ ओवरबॉट जोन में है अभी भी। तो यहाँ जैसे ही हम जब तक नेचुरल गैस लगभग 515 के नीचे है तब तक आपको जो है तो इस पर शॉर्ट रहना है। 515 के ऊपर अगर रहता है नेचुरल गैस तो आपको जो है तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, जो लेकर जाएगी इसको 580-590 की तरफ। 515 के नीचे आपको जो है तो 475 और उसके बाद में 440 के टारगेट जो है तो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते। तो यहाँ क्लियर कट लक्ष्मण रेखा रह गई 515 की। 515 के ऊपर बुलिश, 515 के नीचे बेरिश। बेरिश जोन में अगर रहता है तो आपके टारगेट रहेंगे 475-440। अगर 515 के ऊपर रहता है तो आपके टारगेट रहेंगे लगभग 580-590। उसकी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से जो है तो एक बार जो जितने भी शॉर्ट क्रिएट किए इन 3-4 कैंडल में उनको ट्रिगर करने के लिए एक बाउंस बैक बिल्कुल नेचुरल गैस दे सकता है। मगर आपको लॉन्ग करना है सिर्फ 515 के ऊपर ही, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। या वोलेटिलिटी एज यूजुअल हाई रहेगी तो इतना इजी भी नहीं रहेगा ट्रेड करना, जैसे मैंने पहले भी कहा है। मगर आपको लेवल पे खेलना है 515 के ऊपर लॉन्ग, टारगेट 580-590, 515 के नीचे बेरिश, टारगेट 475-440। और यहाँ जो है तो जिस तरह से हमने ऊपर के लेवल से करेक्शन देखा है तो एक बार का मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकडाउन के बाद जो है तो रिवर्सल आता है। क्योंकि मार्केट जो है तो जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ चेक करता है। अगर ये बाउंस बैक आता है और उसको सोल्ड ऑफ होता है तो फिर से वो जो है तो आपको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होते दिखेगा। अगर उस ट्रेंड में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर जो है तो आपको रिवर्सल मिलता है
और हम फिर से नए हाई बनाते हैं। अभी यहाँ जो है तो ऑलरेडी हम सभी टारगेट अचीव कर चुके हैं, तो यहाँ आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली डाउन साइड ही देखने को मिलेगी, मगर आपकी जो सेफ्टी है अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपकी सेफ्टी रहेगी 580-590 के अराउंड, या फिर 515 के नीचे। 515 के नीचे शॉर्ट करते हो तो उसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक मूव तो ज़रूर आएगी नेचुरल गैस में, जो इसको लेकर जा सकती है 580-590 के लेवल की तरफ, तो उन लेवल पे हम शॉर्ट करने के सोचेंगे करंटली जो है। तो जिनके पास अभी शॉर्ट है उन्हें सलाह रहेगी कि 515 के ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड कीजिए, और जिन्हें लॉन्ग करना है उन्हें भी सलाह रहेगी कि 515 का लेवल उसको पार करने दे और उसके बाद ही आप जो है तो लॉन्ग जा सकते हो नेचुरल गैस पे 515 के ऊपर। जब तक वो 515 के नीचे है तब तक आपको लॉन्ग पोजिशन नहीं लेनी है नेचुरल गैस में एज पर पोजिशनल व्यू। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट कम्युनिटी कॉल चाहिए विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।